झामुमो के बागी नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने गोड्डा के बांका स्थित अपने पैतृक आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से उन्हें राजमहल संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को उत्साहित किया, जिस पर हेमलाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की वो कद्र करते हैं और वे राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हेमलाल ने यह भी कहा कि 11 मार्च को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि वे किस दल से चुनाव लड़ेंगे। का रुझान तो आप देख रहे होंगे, लगातार लोगों से बात हो रही है। लोगों को निश्चित रूप से लग रहा है कि जो निर्णय लिया जाएगा, जो और सुझाव आ रहा है लोगों से, वो निश्चित रूप से अच्छा ही। अभी हमने निर्णय लिया है, क्योंकि पार्टी में जो पहले जो पार्टी का विचारधारा रहा था, जिस तरह से हम लोग सामूहिक फैसला लेते थे और व्यक्तिगत जिम्मेवारी दी जाती थी, आजकल मेरे पार्टी में वो स्थिति नहीं रही है। इसलिए हम लोग पार्टी से थोड़ा इच्छुक्त हैं। अब एकला चलो का लोग निर्णय ले लिया, अकेले फैसला लेता है, तो हम लोगों ने भी 30-32 वर्षों से इस पार्टी में काम किया, इसलिए वहाँ तकलीफ हो रही है। हम लोग एक दौर पार हुआ, दूसरा दौर अभी शुरू होने वाला है, और आज हमको लगता है कि हम लोग फैसला कर लेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, और यदि लड़ना है चुनाव तो किस दल से लड़ना है। कार्यकर्ताओं का, अधिकतर कार्यकर्ताओं का विचार है कि चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ें। जेएमएम के बारे में अब तो नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जेएमएम से हमारा रिश्ता टूट गया है, इसलिए जेएमएम के बारे में किसी भी प्रकार टिप्पणी करना हमारे समझ से गलत बात है। हमारे साथ जो लोग हैं, हमको जितने लोग जानते हैं, वो मेरे साथ रहेंगे, और जो मेरे साथ नहीं हैं, वैसे लोगों को भी हम आग्रह करेंगे कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है पार्टी में, इस भावना को लेकर के हमको लगता है